सायरम सायरम सर, सर, सायरम सर, सायरम सर, सायरम सायराम सर, सायराम सर, सायराम सर, सायराम सर, सायराम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटेड फील्ड ऑफ एआई। नाउ व्हाट इज द रिलेटेड फील्ड ऑफ एआई? रिलेटेड फील्ड ऑफ एआई इज मशीन लर्निंग। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक वीडियो दिखाया था। टुडे वी विल एक्सप्लोर सम मोर टर्म्स रिलेटेड विद मशीन लर्निंग। ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू माय स्क्रीन। So last time we discussed about the four fields: machine learning, deep learning, data science, and robotics. These are the related fields of AI. ठीक है, अब सबसे important जो field है AI से related वो है machine learning. So now let's discuss about द मशीन लर्निंग। देखते हैं अभी आप में से कितने स्टूडेंट्स कुछ बता पाते हैं मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है। आप में से कोई भी अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहे कोई टर्म्स मशीन लर्निंग से रिलेटेड तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, रंजन आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। तो प्रांजल बताइए मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है? सर मतलब कि जो सर जो अपने आप खुद ब खुद उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है अपने जितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस और जितनी उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, एनी अदर हु वांट्स टू टेल अबाउट व्हाट इज मशीन लर्निंग? और कोई आप में से मशीन लर्निंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि हमें इसे मशीन लर्निंग को और एक्सप्लोर करना होगा क्योंकि मशीन लर्निंग बहुत मेन पार्ट है एआई का। ठीक है, इट इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है, सबसे पहले इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। हियर The first point is all of you take your copy and pen. Copy your pen ले लो आप, screenshot लेना है तो भी आप ले सकते हैं। Machine learning is regarded as a subfield of AI. ठीक है, अब इसमें एक example के through हम machine learning को समझते हैं। The example is a search engine. Okay, now who will give the example of search engine? Search engine का example कौन बताएगा? Sir, Google. हाँ, Parth, are you here? Yes, sir. Parth, can you give one example of search engine? Sir, Google, sir, Yahoo, sir, Chrome. Yes. हाँ, Chrome नहीं है, Google and Yahoo. ठीक है, तो
ये सर्च इंजन का मीनिंग सब समझ गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च इंजन? सर्च इंजन का मीनिंग क्या है? जब आप इंटरनेट पर कोई कंटेंट गूगल पर टाइप करते हैं, वो कंटेनर कंटेंट आपको ओपन करके देते हैं, ठीक है? दैट इज नोन एज सर्च इंजन, ठीक है? तो अब हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज गूगल. तो आई विल शो यू वेयर इज द सर्च इंजन. तो आप ये देखेंगे स्क्रीन पर, ये गूगल आपको सर्च इंजन का वेब पेज मैंने ओपन करा है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वर्ल्ड वाइड में सबसे फेमस सर्च इंजन है गूगल. तो व्हेन आई टाइप समथिंग, तो सी बहुत ध्यान से आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर. अभी मैंने आई एम गोइंग टू टाइप फ्यू लेटर्स, और ये लेटर्स जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये बॉटम में क्या आ रहा है? ये बॉटम में इतने सारे सजेशंस क्यों आ रहे हैं? Can anyone give me the answer? Sir, to give better information. अच्छा, पूजा आपको ये जो बॉटम में ये जो सजेशंस दिख रहे हैं पूजा आपको बॉटम में सजेशंस? Yes, sir. तो अभी तो पूजा मैंने मशीन की पूरी स्पेलिंग टाइप नहीं करी, पर ये सजेशंस कैसे आते हैं? ये कौन डिसाइड करेगा? Who will decide that what suggestions I have to give? मेरा क्वेश्चन आपसे, सर मशीन, मशीन, अच्छा नहीं मशीन, देखो फिर से देखो, मशीन की स्पेलिंग अभी मैंने पूरी टाइप नहीं करी है, लेकिन कुछ सजेशंस आने लग गए हैं बॉटम में. ये बॉटम में सजेशंस क्यों आ रहे हैं? सर एआई, हाँ बोलिए वन बाय वन. सर किसी ने उसको मतलब सर्च किया होगा तो वो हमको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उससे मिल सके जो हमको सर्च करना हो. हाँ, यस, ये पॉइंट ध्यान रखना आप सभी, अच्छा पॉइंट बोला है. ऑलरेडी पहले किसी ने सर्च करा होगा तो वो सजेशन उसने ऐड कर दिया उसमें. ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि ऑलरेडी पहले से किसी ने कोई सर्च करा है तो वो एक सजेशन उसने ऐड कर दिया है. निकुंज, कैन यू ऐड सम मोर पॉइंट्स? निकुंज, आर यू हियर? निकुंज, आप बताओगे कि ये सजेशंस बॉटम में आप जो देख रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? निकुंज के बाद और कोई? उदित, ये यहीं पर अगर हमको इसका सॉल्यूशन मिल गया तो आज हम ये समझ जाएंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है. अगर आपको ये पता लग गया कि ये जो यहाँ पर हम जब आई हैव टाइप ओनली एन ए सी एच आई, मैंने पूरी स्पेलिंग मशीन की टाइप नहीं करी है, लेकिन कुछ सजेशंस बॉटम में आना शुरू हो गए हैं, तो ये सजेशंस कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? अगर हमको इसका आज आंसर मिल गया तो हमारा मशीन लर्निंग का टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. कोई और सोच के बताएगा? यस, एक पॉइंट अभी पूजा ने बोला था कि किसी ने पहले से कोई मशीन टाइप करा होगा तो वो एक सजेशन उसने ऐड कर दिया, लेकिन इसमें देखिए एक मशीन गन आ रहा है, एक मशीन पट्टन आ रहा है, मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल आ रहा है, और एक मशीन फिल्म से रिलेटेड भी आ रहा है, और एक सुपर मशीन करके कुछ आ रहा है. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टूडेंट ने ऐड करा है. अब देखिए यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? गूगल सर्च, ठीक है? सबको ये दिखाई दे रहा होगा गूगल सर्च. तो गूगल का रोल क्या है? गूगल का रोल यही है कि वो क्या करता है, जैसे ही हम कुछ लेटर टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो अपने सुपर, एक मिनट, एक टर्म में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्ट्रम का, सुपरवाइज्ड लर्निंग. ये देखिए हम ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है? सुपरवाइज्ड लर्निंग,
सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग? तो गूगल क्या करता है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में गूगल क्या करता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करता है, वो क्या करता है कि अपने जितने भी यूजर्स जैसे ही उसके सर्च इंजन पे जाके कुछ टाइप करते हैं कोई भी कंटेंट, तो उसका वो एक हिस्ट्री मेंटेन करते जाता है, विच टॉपिक इज करेंटली यूज बाय सो मेनी यूजर्स, उसके एक हिस्ट्री मेंटेन करते जाता है। तो जैसे ही उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड जैसे गूगल सर्च पे हम टाइप करते हैं, तो वो सारे सजेशंस, टॉप 10 के जितने भी सजेशंस हैं जो प्रीवियसली जिन यूजर्स ने वहां पे जाके टाइप करे हैं, उससे रिलेटेड सारे सजेशंस हमको शो कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी आप में से कोई बताएगा मुझे, अभी करेंटली सबसे जो न्यूज चैनल पे जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर जो चल रहा है कोविड को छोड़कर, कोरोना को छोड़कर कोई अफेयर, ये सर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस में। हाँ अच्छा, ये सबसे ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, आप देखते हैं, मैं अभी मशीन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और सुशांत सिंह के कुछ लेटर्स टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से आप सभी देखिए, लुक हियर, I typed only SU. और क्या हुआ? Immediately वो Google search में टॉप पर सुशांत सिंह राजपूत लाके हमको शो कर दिया। ठीक है, अब रिया चक्रवर्ती, जैसे ही हमने, लेकिन रिया चक्रवर्ती का सर्च इतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना ज्यादा सर्च सुशांत सिंह का हुआ है, क्योंकि एस यू टाइप करने पर ही हमें गूगल ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, यहाँ पे सजेशन दी, आप देख रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, तो गूगल क्या करता है, अपने प्रीवियसली जितने भी यूजर्स ने सर्च इंजन पे जा जाके टाइप करा है उसका वो रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करता रहता है, और ये जो डेटा रहता है इस डेटा को वो क्या बोलते हैं हम, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जितना भी डेटा पहले से उस पर वर्क करा गया है उससे रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सो व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग? With label training data, define the variables they want the algorithm to assess for correlation. Both the input and output of the algorithm is specified. यहाँ पर एक और आता है supervised learning में labeled data. Labeled data का मतलब है जो पहले से ही जिस पे work करा जा चुका है. ठीक है? So all of you note down this. Machine learning में लेबल डेटा का मतलब ये है कि जो पहले से ही इस पे वर्क करा जा चुका है, काफी वर्क कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज कौन बताएगा आप में से, क्या गूगल एक इंजन है? अगर आपको लगता है कि गूगल एक इंजन है तो ऑल ऑफ यू चैट में सब वाई टाइप करेंगे, दोज़ हू थिंक दैट गूगल इज अ इंजन वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ दैट गूगल इज अ इंजन, ओके करेक्ट। ठीक है, Is Google a machine?
मशीन लर्निंग का क्या गूगल बेस्ट एग्जांपल है? यस, गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है, ओके. नाउ अब देखिए, अक्षर शर्मा ने क्या करा कि गूगल पे बैठे थे और अक्षत को एक टास्क दिया गया कि अक्षत आप डीप लर्निंग के बारे में पूरा आपको कंटेंट रेडी करना है. ठीक है, एक प्रेजेंटेशन देना है अक्षत शर्मा. तो अक्षत शर्मा ने क्या करा, वो गूगल पे बैठा वहां पर और गूगल पे उसने डीप लर्निंग टाइप करा. नाउ गूगल, व्हाट गूगल विल डू, अक्षत शर्मा से रिलेटेड ने जितने भी उसने डीप लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो सर्च कर लिए. अब नेक्स्ट टाइम अगर सेम यूजर या और कोई दूसरा यूजर फिर से आकर वो डीप साइंस डीप लर्निंग टाइप करता है तो अक्षत ने जितने भी यूज करे थे डीप लर्निंग से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स का यूज करा था वो सारे सजेशंस गूगल फिर से आपको शो करेगा. ठीक है, तो वो क्या करता है, गूगल आपके पुराने डेटा के ऊपर पूरा वर्क करता है और उससे रिलेटेड सारा डेटा आपको वापस शो कर देता है. तो ये जो पूरी मेथड मैंने आज समझाई आपको, पूरा हमने डिस्कस करा है, ये कहलाता है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग का काम देता है या द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इज टू कलेक्ट द डेटा. डेटा को कलेक्ट करना है और डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिटिक्स करके उसका एनालिसिस करके वो आपको डेटा को वहाँ पे शो करना है. ये दिस इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग. ये मशीन लर्निंग में ये होता है. तो आप बोलेंगे कि कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है? तो मशीन लर्निंग का जो वर्क होता है इट विल बी दे विल टेक द हेल्प ऑफ सम ऑफ द लैंग्वेजेस. ये पाइथन लैंग्वेज है उसकी हेल्प लेते हैं. देर आर सम मोर लैंग्वेजेस, उसकी हेल्प से भी ये अपने डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं और वो डेटा को आपको डिस्प्ले कराते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर उदित, आर यू हियर? ठीक है, देखिए इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी स्टूडेंट आप में से, अगर आपके आपसे मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मीटिंग लेफ्ट में करना है ना. मैंने कभी एक दो क्लासेस में मैंने देखा है कि जैसे ही किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं तो वो मीटिंग लेफ्ट कर देते हैं. तो ऐसा मत करना आप. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सो आई विल कॉल नेक्स्ट स्टूडेंट. तो आप अगर आप भूल गए हैं या नहीं आ रहा है आपको आंसर तो उसमें मीटिंग लेफ्ट करने की जरूरत नहीं. तो उदित, आर यू हियर? श्रेयांश, श्रेयांश आर यू हियर? रुद्राक्ष आर यू हियर? यस सर. रुद्राक्ष, कैन यू गिव, हमारा जो फाइनल समरी हुई है, फाइनल समरी जो भी आज हमने डिस्कस करा उससे रिलेटेड आप कुछ शेयर करोगे? आपको क्या समझते हैं सर मशीन लर्निंग से रिलेटेड? हाँ, जो भी आपको अभी समझ में आया है 15 मिनट्स में आप कुछ बताओगे उसके बारे में? यस सर. सर जो हम सर सर्च करते हैं गूगल पे या फिर सर कोई से भी सर्च इंजन पर, तो सर उसका डाटा कलेक्ट होता है और अगर वैसे ही कोई और सर्च करता है तो उसी को पहले ऑप्शन आ जाता है कि क्या सर्च करना है. यस, हाँ, तो अच्छा आपने पॉइंट्स बताए हैं. ठीक है, आपको मतलब मेरी बात समझ में आई है. अब देखते हैं हम, ये जो नाउ देयर आर फोर फील्ड्स रिलेटेड विद मशीन AI. द फोर फील्ड्स आर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स. अगर हमको मशीन लर्निंग समझ में आ गया ना तो बाकी की थ्री फील्ड्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना. वो सब इसी में कवर हो जाएगा, पर मशीन लर्निंग हमारे लिए मेन है. तो मशीन लर्निंग को हमको समझना पड़ेगा. तो हम एक वीडियो की हेल्प लेते हैं और उस वीडियो में और डिस्कस करते हैं ये मशीन लर्निंग क्या है.
Welcome to our YouTube channel. Today in this particular video, we'll be discussing the most fundamental thing in data science, like what is the difference between artificial intelligence, machine learning, deep learning, and data science. I'm just going to write it as DS, that is data science. Now guys, I probably think in my YouTube video, I had to upload this particular video as first. But you know, I just went with the flow. I missed about this particular topic because many of you still have various confusion regarding it. So in this particular video, I'm going to clear the confusion and I'm going to tell you what exactly is artificial intelligence, what exactly is machine learning, what exactly is deep learning, and how do we use data science considering all this particular technology and work. So let's go ahead and let's just think. I'm also going to create some Venn diagrams. So let me consider that this is my Venn diagram of AI, and the main work of AI, you have heard of AI applications, you have heard of AI engineers, kind of positions. So AI basically helps us to, it enables the computer or machine, it enables the machine to think. It enables the machine to think. That basically means without any human intervention, the machine will be able to take its own decision. And always remember guys, whatever I'm talking about over here with respect to AI, right? This is the final goal. You are basically creating an AI application, a self-driving car, that is an AI application. An app which actually uses machine learning and deep learning within them is basically an AI application. It does some kind of task. So finally, this is my final goal. I have to reach over here and create an AI app. Okay, now yes, Abhi, the following person has described about the AI. He told about the AI. ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत दिनों बाद मुझे एक बहुत अच्छा डेफिनेशन भी मिला है इसमें वीडियो में. तो कोई भी स्टूडेंट एक बार फिर से कोई रिपीट करेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AI फ्रॉम दिस वीडियो? कैन एनीवन रिपीट? What is the role of AI, sir? And what is AI? AI enables a machine to think by itself without any human support or something. Good, very nice. So AI का मतलब ये है कि AI में हम ये सीखते हैं कि मशीन कैसे सोचना स्टार्ट करेगा, मशीन से कैसे काम लेना है. ठीक है, ये AI का रोल रहता है without human इंटरफ्रेंस. ठीक है, कोई और वॉइस में से कोई और रिपीट करेगा प्रांजल के अलावा? प्रांजल के अलावा कोई रिपीट करेगा व्हाट इज द रोल ऑफ एआई और व्हाट इज एआई? कोई भी? बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली उन्होंने यहाँ पे वीडियो में बताई. प्रांजल के अलावा कोई भी वॉइस में से स्टार्ट करो. हाउ मेनी बॉयज आर हियर? नैतिक, आर यू हियर? नैतिक सर, अक्षर, हाँ अक्षर आप बताइए. यस यस सर. सर इनेबल द मशीन टू थिंक. यस, अच्छा ठीक है, आपको क्लियर हुआ. ठीक है, इस वीडियो से एआई की हेल्प से मशीन से हमें कुछ वर्क लेना है और विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना. अब आगे देखते हैं जो डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप ध्यान से देखना, वो मशीन लर्निंग को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब मशीन लर्निंग स्टार्ट हो गया है. यस, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई. तो व्हाट डज मशीन लर्निंग हेल्प अस टू डू? Provides us statistical tools to explore the data, to
to explore the data. Simple definition, guys. It provides us some statistical tools to explore and understand about that particular data. Now, when I talk about machine learning, in machine learning, you have three different approaches. One is... देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन फिर से यहाँ पर वीडियो में बताई गई है. मशीन लर्निंग क्या करता है, इट इज हैविंग द डिफरेंट टूल्स सो दैट इट कैन शो यू द डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्लियर, कोई एग्जांपल दे सकता है? What is the meaning of statistics यहाँ पर? To explore the data, जैसे क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता है. क्रिकेट गेम में आप देखेंगे इतना ज्यादा डेटा का यूज होता है, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, किस मैच में बनाए हैं, किस टीम के खिलाफ बनाए हैं. ठीक है, वनडे में क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है, टेस्ट मैच में कितना परफॉर्मेंस रहा है, 2020 में क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये सारा डेटा पूरा एक प्लेयर का रिकॉर्ड होता रहता है. और जब उसमें हम किसी मशीन की हेल्प लेते हैं, मशीन का मतलब यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है ना, और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसका पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है. आप देखते हैं मैच चलता रहता है, कोई पर्टिकुलर बैट्समैन 100 अगर स्कोर कर लेता है तो उसका बताते हैं कि उसने इतने 100 स्कोर कर लिए. फिर एक ग्राफ शो हो जाता है उसने कितनी टीम्स के खिलाफ कितने 100 बनाए हैं और पर्टिकुलर टीम के खिलाफ कितने 100 उसने स्कोर करे हैं. वो पूरा डेटा, बहुत डाटा का एनालिसिस होता है. ठीक है, तो मशीन लर्निंग, वो इस क्रिकेट का एग्जाम्पल भी आप मशीन लर्निंग में ऐड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं हम मशीन लर्निंग के बारे में आपको और supervised machine learning. I'll also discuss about what exactly supervised. Okay, so second technique is something called as unsupervised machine learning. The third technique is something called as reinforcement learning, or this is also called as semi-supervised machine learning. Okay, I can write it as semi-supervised. So this techniques of machine learning is basically ranging in this. Let me give you a very good example of supervised. So in case of supervised, we'll be having some labeled data, you know, some past data. And with the help of this kind of data, we'll be actually able to do the prediction for the future. Let me just take a very good example. Suppose based on, I have two features in my data set, like age, let me just consider that I have height and weight as my two feature, and I want to classify whether that person is belonging to an obese category or whether it belongs to the fit category, right? So this kind of data, initially whenever I'm making my model, at that time I'll have this data in hand previously on. And what I'll do, I'll create a model, train on that data, and with the help of those kind of data, I'll be actually creating a supervised machine learning model. That basically means, so in case of supervised, we have past data, past labeled data. Okay, we know what will be the output. यहाँ पर आप फिर से देखिए past labeled data का use कर रहे हैं. Past labeled data का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो already जितने भी work हो चुका है, ठीक है, और उसका record आपके पास है, उसको हम past labeled data बोलते हैं. अब सपोज करिए कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और सम आर वेरी गुड इन एथलेटिक्स, ठीक है, और कोई कंपटीशन है, एथलेटिक कंपटीशन है, और टीचर आपकी क्लास में आते हैं दैट 100 मीटर है, 200 मीटर है, तो कैन यू गिव द नेम्स, और जो पर्टिकुलर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दो तीन, वो एब्सेंट है, ठीक है, तो इमिडिएटली क्या होगा, आप वही उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम बता देंगे जो ऑलरेडी पहले काफी स्कोर कर चुके हैं, मतलब उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट करा है, वो उसमें दे वर रनर अप और दे वर दे वन द दैट पर्टिकुलर फील्ड. जितने भी मैचेस हुए होंगे, जितने भी उनके ट्रैक इवेंट्स होंगे, उसमें वो काफी अच्छा करा है, तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स का पहले नेम देंगे. ऐसा होता है आदर्श?
Adarsh, are you here? Devang, are you here? Yes, sir. देवांग आपकी क्लास में कौन बहुत अच्छा दौड़ता है? Who is a good runner? Boy हो या girl हो, कोई भी बताइए। कृष्णा आपकी क्लास में कौन बहुत अच्छा रनर है? सर सर है एक अक्षय, है एक अक्षय राय। देखिए क्या करा है, जो आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड था, या ठीक है, आपके पास जो प्रीवियस रिकॉर्ड था कि अक्षय ने जितने भी अभी इवेंट्स स्कूल में होंगे बाहर होंगे, तो आपके पास ऑलरेडी जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसी की बेसिस पे आज आपने अक्षय का नाम लिया है, तो ये कहलाता है आपका पास्ट लेवल डेटा। ठीक है, पास्ट लेवल डेटा इसके अंडर में जाएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया आज कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पास्ट लेवल डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। Of this particular data. Now in the second category, when I talk about unsupervised machine learning, here I will not be having any labeled data. That basically means in my data set, I will not know what is the output. So in unsupervised machine learning, we usually solve clustering kind of problems. Clustering, you know, there are different clustering techniques like k-means clustering, hierarchical mean clustering. So in unsupervised machine learning, we will actually be solving clustering techniques. And when I say clustering, what exactly it does is that based on the similarity of the data, it will try to group that data together. And there is some mathematical concepts like Euclidean distance actually used inside that, with, apart with some other techniques also. So most probably here are two different algorithms or three different algorithms. One is k-means clustering, hierarchical mean clustering, dbScan clustering. These are the three popular clustering algorithms that we basically use in unsupervised machine learning. Now, in case of reinforcement learning, what will happen is that some part of the data will be labeled, and later on, some part of the data will not be labeled. So, the computer or the machine learning model learns slowly by seeing the past data, and it will be learning as soon as the new environment, new data will be coming up. So, I hope you understood this. That is what we are actually doing. Over here, the most important part is that we need to have data. It also provides some statistical tools to analyze, explore and analyze the data. Okay? And this is the three different techniques that we basically have in machine learning. The third part, which is my deep learning, is again a subset of machine learning. Now, why did deep learning got created? You know? So, what scientists thought is that, can we make the machine learn, like how we, with the help of human brain, actually try to learn things? You know, that was the main idea behind deep learning. So over here, in deep learning, you create architecture which is called as multi-neural network architecture. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. So at the end of the day, we are basically using multi-neural network architecture. Now here, देखिए आप deep learning में हमें machine learning का अभी हमने explore करा है. Now we come on to the deep learning. अब deep learning क्या होती है? देखिए human beings किस तरह से अपने आप को या अपने mind को आपने कितना सा train कर रखा है, देखिए ना, I will ask few questions. आप देखते हैं, आप खुद ही आंसर बताते जाएंगे. अक्षिता, आपकी क्लास में कितनी भजन सिंगिंग गर्ल्स है? ये भजन बहुत अच्छे से गाती है. नंबर बता दो.
बस में बता दो खुशी आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत अच्छी है सर किसमें राइटिंग आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं है चलो ये बताओ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं है नंबर्स सर सर आई डोंट अच्छा ठीक है खुशी गर्ल्स में गर्ल्स में से आपको बताना कौन अच्छा गाना गाती है सर राधिका अक्षता नंदिनी तनीशा ओके और इसके बाद कृष्णा आपकी क्लास में क्रिकेट बहुत कौन अच्छा खेलता है सर बहुत लोग खेलते हैं मुदित मुदित आ रही है मुदित नैतिक नैतिक आ रही हुई है नंदनी यस सर हाँ नैतिक नैतिक आ रही है ओके नैतिक आपको बताना है कि आपकी क्लास में कितने आपको जो है एक रफ आइडिया देना है नैतिक कि आपकी क्लास में कितने बॉयज एकेडमिक्स में अच्छे हैं मतलब अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं हाउ मेनी बॉयज आर गुड इन एकेडमिक्स अप्रोक्सीमेटली ओके 15 बॉयज आर गुड इन एकेडमिक्स चलिए ठीक है नंदनी नंदनी यस सर नंदनी हाउ मेनी गर्ल्स आर गुड इन मेकिंग रंगोली सर 3 ओके सो पार्थ पार्थ यस सर पार्थ हाउ मेनी बॉयज are good in instrumental music sir name or sir number ha number sir 5 kitna sir 5 okay so I asked a few questions and all these questions are of different categories lekin aap sabke paas answer hai why all are having the answers of these questions kyunki hamare paas mein itni deep learning ka matlab hum bahut zyada har kisi student ko dekhte hain unko samajhte hain so all these are related to deep learning aur har student is tarah ke questions ke bare mein sabke bare mein janta hai theek hai so they all It is related with deep learning. ठीक है, चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी आपने समझा होगा deep learning. And we are actually creating some deep learning neural networks. The main idea behind deep learning is to mimic human brain. You know how human actually learns those concepts. Similarly, we are creating models over here which is learning those things. And the most important thing is multi neural network architecture. Right? And in deep learning also you have various techniques. One is ANN, that is artificial neural network. The second one is CNN, that is convolutional neural network. And the third one is RNN, which is called as recurrent neural network. Most of the problem statements, most of the data which is actually present in the form of numbers will be solved with the help of ANN, you know, artificial neural network. Suppose our input is in the form of... So, मशीन लर्निंग के बारे में आज हमने कवर करा मशीन लर्निंग को हमने समझने की कोशिश करी और आई थिंक 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स
आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत क्लियर हो गएंगे आज मशीन लर्निंग के बारे में, आज आपको कुछ कंसेप्ट बना होगा, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक डीप लर्निंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मशीन लर्निंग आप नहीं समझे तो आप अभी पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग।